हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज तुषार। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप पिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, लैग को पबजी मोबाइल में बहुत आसानी से। क्योंकि देखिए, अब आपको अगर लैग कंट्रोल करना है तो भाई जो है आपको विदाउट VPN खेलना ही पड़ेगा। विदाउट VPN खेलने से भाई मेरे को बहुत अच्छा पिंग देखने को मिलता है, क्योंकि VPN आप जब भी लगाते हो तो आपको बहुत हाई पिंग देखने को मिलता है और गेम बहुत ज़्यादा ही लैग करता है, क्योंकि भैया जो है सर्वर डाउन हो चुके हैं, इसलिए दिक्कत आती है। अब देखिए, आज क्या हुआ कि मैंने जब भी पबजी खोला, VPN तो मैंने कनेक्ट करा ही नहीं था, मैं भूल गया, वो पबजी मेरा चालू हो गया, विदाउट VPN ही चालू हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आया क्यों हुआ। वैसे चल रहा है और मैंने डिलीट भी कर दिया VPN, क्योंकि मेरे मोबाइल में चल रहा है पबजी विदाउट VPN। और जो है ओपिंग, देखिए अब मैं एक TDM मैच मैंने आपको लगा दिया और आपको दिखा भी दिया कि मेरा जो है VPN कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 400 का पिंग आ रहा है, अब देखना यहाँ पे देखिए 200 का हो गया, और अब देखना यहाँ पे हमको पिंग और भी कम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो 70 का पिंग हो गया है, और इसके बाद भी आपको और कम पिंग भी देखने को मिलता है, जैसे 50-60 भी हो जाता है पिंग। मतलब कितनी अच्छी बात है, और गेम बहुत ही स्मूथ चलता है आपका। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो पूरी अंत तक देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को जोर से लाइक कर देना। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो है पबजी मोबाइल को आपको विदाउट VPN कैसे खेलना है, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी, और ये जो ट्रिक वर्क कर रही है मेरे मोबाइल में, ये अभी कुछ देर की है, मुझे पता है फिर बाद में सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आने वाली है। सो वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं आई बटन में दे दूंगा, या फिर जो है आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, जो है आपको सेटिंग्स में जाना है, और सबसे पहले जो है आपके पास डेवलपर ऑप्शन होना चाहिए। डेवलपर ऑप्शन कैसे लेते हैं, आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। डेवलपर ऑप्शन लेना बहुत ही आसान है, या फिर आपके मोबाइल में ऑलरेडी आया होगा, तो एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डेवलपर ऑप्शन इस पर मैं क्लिक करता हूँ, डेवलपर ऑप्शन में आपको जाना है, और यहाँ पे हमको नीचे यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी गेम ड्राइवर प्रेफरेंस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अनेबल फॉर ऑल ऐप्स नहीं करना है आपको, यहाँ पे पबजी मोबाइल को ढूंढना है, तो पबजी मोबाइल पे आप क्लिक करके गेम ड्राइवर क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो है आपका गेम बहुत ही बढ़िया चलेगा, और ये गेम की परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, जिससे आपका गेम ज़्यादा लैग नहीं करेगा और आपको कम पिंग देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही गेम अच्छा कर देगा। सो गाइस, जो सेकंड स्टेप है, आपको क्या करना है, आपके पास एक गेम बूस्टर होना चाहिए। गेम बूस्टर से क्या होता है, ये जो है कैचे ऐचे डिलीट कर देता है, और गेम को बूस्ट करने में पूरी मदद करता है हमारे। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, यहाँ पे देखिए पिंग जो है आपका देखने को मिल रहा है, आपको इतना इतना पिंग देखने को मिल रहा है अभी इस वक्त। तो गेम को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे आप जो भी गेम है आपका ऐड कर लीजिए, पबजी मोबाइल ऐड कर लिया, इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो बैकग्राउंड का कैचे डिलीट कर देगा, बूस्ट पबजी मोबाइल टू द मैक्स परफॉर्मेंस, और एनालाइज कर देगा बेस्ट कन्फिग्स। सो बहुत ही अमेजिंग, अब यहाँ पे एक ऐड आएगा, फिर उसके बाद आप गेम को लॉन्च करके खेल सकते हो, और बहुत ही कम पिंग आपको देखने को मिलेगा इसमें। कंप्लीट हो गया, और अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो गया गेम, आप यहाँ से लॉन्च करके खेल सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग बूस्टर है, आप यहाँ से कोई सा भी प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे बूस्टर देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से कोई सा ट्रस्टेड वाला जो अच्छा हो वो आप डाउनलोड कर लीजिए, गेम को बूस्ट करने में मदद करता है, या फिर प्री इंस्टॉल्ड आपके मोबाइल में आता होगा वो भी बहुत काम का है। सो गाइस, जो थर्ड स्टेप है आपको करनी है कि आपके पास एक GFX टूल भी होना चाहिए, जिससे पबजी में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है, मतलब ग्राफिक कंट्रोल, लैग कंट्रोल सब में आपकी मदद कर सकता है GFX टूल्स। वो बैन नहीं होता है, मैं भी बहुत यूज़ करा है GFX टूल। अब ये जो है मैंने एक एप्लीकेशन करा हुआ है जिसमें आपको बूस्टर, गेमिंग बूस्टर भी मिल जाता है, GFX टूल भी, तो मतलब कंट्रोल कर सकता है। वैसे आप अलग से कर लीजिए, ये तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा इसमें ज़्यादा सेटिंग्स नहीं होगी। जो है GFX टूल में बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो आपको गेम में बहुत अच्छी मदद करती है, और जो है आपका गेम बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो और लैग कंट्रोल तो भाई है उसमें मिलता ही है, और जो है गेम स्मूथ भी कर देता है बहुत अच्छा, और ग्राफिक सेटिंग्स भी आती है उसमें बहुत तरह की। सो गाइस, जो फोर्थ सेटिंग है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सिम कार्ड एंड डाटा इसमें जाना है, और यहाँ पे आपको एक डाटा यूसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डाटा यूसेज पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे डाटा सेविंग जो है आपका ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना, पबजी के दौरान ही करना, नहीं तो जो बाद में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो है बैकग्राउंड के जितने भी डाटा होता है उसको मतलब कंट्रोल में रखता है, मतलब उनको यूज़ करने नहीं देता बैकग्राउंड के एप्लीकेशन, उनको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज़ करते हो, तो उनको
डाटा यूज़ करने नहीं देता, जिससे आपको इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जिससे पिंग बहुत कंट्रोल हो जाता है और लैग भी हमको कम देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही बढ़िया बात है डाटा सेविंग करना। और सेकंड लास्ट जो सेटिंग है वो है डुअल चैनल एक्सेलरेशन। तो ये जो है ये इससे क्या होता है मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने पहले ही बता चुका हूँ। डुअल चैनल एक्सेलरेशन से ये होता है कि जो है वाईफाई अगर आपके पास है, वाईफाई से भी आप खेल सकते हो, इंटरनेट से भी, तो दोनों का डाटा यूज़ कर सकता है ये, जिससे ये पबजी मोबाइल यहाँ पे आ रहा है। पबजी मोबाइल मतलब दोनों का डाटा यूज़ करके गेम बढ़िया चलेगा। तो डुअल चैनल एक्सेलरेशन भी आप लगा सकते हो, जिससे आपको गेमिंग में बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। सो गाइस आप समझ गए होंगे, सारी सेटिंग्स आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और विदाउट वीपीएन पबजी वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। सो गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।